भी जिस थानाध्यक्ष जिस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं उस पर जांच करवा करके बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। एसपी प्रभारी के खिलाफ शिकायत मिली और वहाँ के एसआई के खिलाफ भी शिकायत मिली थी कि उन्होंने जो है कुछ पैसे का जो है डिमांड किया है और इलीगल डिटेंशन किया है। फिलहाल इस पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उन लोगों को निलंबित और लाइन हाजिर किया गया है। इसी सिलसिले में रक्सौल थानाध्यक्ष के द्वारा भी जो है पैसे का डिमांड करने की बात आई, जिसका ऑडियो भी हमारे पास आया था। उसमें एएसपी रक्सौल की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल उनको निलंबित करते हुए यहां से उनको बघार लाइन क्लोज किया गया है। डीआई नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार पुलिस के अधिकारियों पर, दारोगा पर, जमादार पर, इंस्पेक्टर पर, डीएसपी पर, एसपी पर कई बार गंभीर आरोप लगे हैं रिश्वत लेने के, और कार्रवाई भी बड़ी हुई है। जो कार्रवाई होती है साफ तौर पे ये मैसेज देने की कोशिश भी उस कार्रवाई के साथ की जाती है कि जो भी लोग रिश्वत के खेल में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मोतिहारी के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने आज बड़ी कार्रवाई की है, दो थानेदारों को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही एक दारोगा को भी सस्पेंड किया है। देखिए, मोतिहारी के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष जो जाने जाते हैं अपराधियों के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए, मोतिहारी के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष जो जाने जाते हैं भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बेस्ट एक्शन के लिए, और वो कुमार आशीष जाने जाते हैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन उनके जिले में ही रिश्वत का बड़ा खेल चल रहा था, दो थानेदारों ने रिश्वत ली थी। एक थानेदार पर तो आरोप है कि 9.5 लाख रुपए एक शख्स को छोड़ने के एवज में लिया गया। पचपकड़ी ओपी के थानेदार विक्रांत सिंह और दारोगा बीडी सिंह पर आरोप लगा कि 9.5 लाख रुपए दोनों अधिकारियों ने मिलकर एक शख्स से ली और 72 घंटे तक उनको पुलिस कस्टडी में रखा। जैसे ही ये पूरा मामला एसपी तक पहुंचा, एसपी ने पूरे मामले की जांच कराई मुख्यालय डीएसपी से, और जो रिपोर्ट आई, एसपी का कहना है कि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि 9.5 लाख रुपए दिए गए हैं, लेकिन इतना जरूर पुष्टि हो चुके हैं कि 72 घंटे तक रखा गया पुलिस कस्टडी में, और इस वजह से दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, रक्सौल के इंस्पेक्टर पर भी आरोप लगे कि एक मामले के अनुसंधान के क्रम में उन्होंने रिश्वत मांगी, ऑडियो एसपी साहब तक पहुंचा और उन्होंने कार्रवाई कर दी है इस मामले की जांच कराकर। मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो सुनिए। मोतिहारी जिले में लगातार हम लोग जनता के उन्मुखी पुलिसिंग के लिए प्रयासरत हैं, और इस सिलसिले में जहां पर भी जिस थानाध्यक्ष जिस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं उस पर जांच करवा करके बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में पंचपकड़ी ओपी प्रभारी के खिलाफ शिकायत मिली और वहां के एसआई के खिलाफ भी शिकायत मिली थी कि उन्होंने जो है कुछ पैसे का जो है डिमांड किया है और इलीगल डिटेंशन किया है। तो वो मामला सामने आने पर डीएसपी हेडक्वार्टर के द्वारा जाँच करवाई गई, और उसमें हालांकि पैसे लेने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि लीगल डिटेंशन 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, जिसकी जो स्वीकार भी किया गया है ओपी प्रभारी के द्वारा, तो तत्काल इस पर अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उन लोगों को निलंबित और लाइन हाजिर किया गया है। इसी सिलसिले में रक्सौल थानाध्यक्ष के द्वारा भी जो है पैसे का डिमांड करने की बात आई, जिसका ऑडियो भी हमारे पास आया था। उसमें एएसपी रक्सौल की जाँच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल उनको निलंबित करते हुए यहाँ से उनको बघार लाइन क्लोज किया गया है। डीआईजी साहब का इस पर जो है आदेश प्राप्त हो चुका है, तो इन दोनों मामलों को जो है यहाँ पर आज इसका किया गया है। और ऐसे और भी शिकायतें जो भी सामने आएंगी जिस भी पुलिसकर्मी और जिस भी थानाध्यक्ष के खिलाफ होगा उस पर बाकायदा हम लोग जाँच करके कार्रवाई करेंगे। तो ये पचपकड़ी थानाध्यक्ष को जो हटाया गया, उसका आरोप क्या था? इस पर आरोप ये था कि 9.5 लाख रुपये उसने जो है दो लोगों को 3 दिन एक्स्ट्रा बिना किसी FIR के पकड़ के रखा, और 9.5 लाख रुपये का उसने डिमांड किया है। हालांकि इस आरोप की पुष्टि नहीं हो पाई है, जिन जिन गवाहों के नाम उन्होंने दिए थे विस्तृत जांच की गई है, लेकिन इलीगल डिटेंशन की बात सामने आई है, उस आधार पर कार्रवाई की गई। तो मोतिहारी के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष को आप सुन रहे थे। भ्रष्ट अधिकारियों की खैर मोतिहारी में नहीं है। मोतिहारी के एसपी ने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश अन्य पुलिसकर्मियों को की है, क्योंकि ये जो कार्रवाई है बड़ी कार्रवाई है,
जो ये पूरा मामला है वो 10 जुलाई का मामला है जो पचपकड़ी ओपी क्षेत्र का है। यहाँ पुलिस ने एक डेड बॉडी बरामद किया था और उस मामले में पुलिस ने एक बुजुर्ग को हिरासत में लिया। 72 घंटे तक पुलिस अपने पास रखी, सौदाबाजी हुआ, 15 लाख के डिमांड हुए, 9.5 लाख रुपए देने के बाद थाने से उन्हें छोड़ा गया, जैसा कि आरोप उन्होंने लगाया जिन्हें पकड़ा गया था। और उन्होंने सारी बातें टुडे बिहार न्यूज के कैमरे पर बताई। और अब इस मामले में पुलिस मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई कर दी है, साथ ही रक्सौल के इंस्पेक्टर भी नाप दिए गए हैं। लगातार एसपी का कहना है जो भी भ्रष्ट अधिकारी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।